हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा कैंपस में। हमने एक हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रखी है 2017-18-19। तीनों साल के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, हम उन सबका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और अच्छे से उसका एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि उस क्वेश्चन के आगे पीछे कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी। नहीं की थी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विश्व भारती, यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1917 में, ये महात्मा गांधी ने की थी। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना बिल्कुल की थी और फिनिक्स आश्रम की स्थापना बिल्कुल की थी, लेकिन किसकी नहीं की थी, विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना की किसने थी ये पूछा जाए तो इसकी स्थापना बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा। इसका आंसर क्या आएगा, बी, पशुपति, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका आंसर क्या है, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की, तो क्या आएगा, मैंकले, यानी कि मैकले ने क्या की थी, अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था, बताइए। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इल्तुतमिश, यानी कि चांदी का सिक्का जो टका था किसने चलाया था, इल्तुतमिश। और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, यानी कि कौन से, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश ही था। ठीक है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, इसका आंसर क्या आएगा, पांडे। कौन थे, पांडे थे। ठीक है, जो संगम साहित्य है जिसे तमिलकम के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, तमिलकम, यानी कि तमिलकम के नाम से जाना जाता है, प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास में, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास में 300 ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि 300 बीसी से लेकर और 300 एडी तक, यानी कि 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक, ठीक है, 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का प्राचीन तमिल साहित्य है। इस संग्रह में तमिल में कितनी है, टोटल 2331 कविताएं, कितनी है, 2331 कविताएं। ठीक है, भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, बताइए। ठीक है, तो कहां की गई थी, सूरत में, कहां की गई थी, सूरत में। अगर पूछा जाए कब की गई थी तो 1667 को, कब की गई थी, 1667 को कहां की गई थी, सूरत में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां या महाजन पद अस्तित्व में थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कितनी थी, 16, कितनी थी, 16। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद नहीं था, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वैशाली। वैशाली क्या है, 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1973, यानी कि 1 अप्रैल 1973 को कब किया गया था,
1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, इसका आंसर क्या आएगा? ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, ओके हो जाएगा एक भी बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए और ये वीडियो को आपको कैसा लगा। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप शिक्षा कैंपस के साथ जुड़ सकें। ठीक है, ओके बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।